का कोल्हापुर, उत्तर प्रदेश का अमेठी और बिहार का नवादा। तस्वीरें भले ही अलग अलग राज्यों की हों, लेकिन सवाल सिर्फ एक, आखिर देश का माहौल कौन बिगाड़ रहा है? आखिर कौन है जो नफरत के बीच बोकर देश के अमन चैन में साजिश का जहर घोल रहा है? तस्वीरें 14 जुलाई की हैं, जब कोल्हापुर के विशालगढ़ में अतिक्रमण हटाए जाने के मुद्दे पर दो समुदायों के बीच झड़प हो गई, जमकर पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई और कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। बवाल विशालगढ़ किले में हजरत मलिक रेहान की दरगाह के आसपास अतिक्रमण हटाने को लेकर हुआ था। विवाद पिछले 2 साल से चल रहा है। किले में हजरत मलिक रेहान की दरगाह है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि दरगाह के आसपास अवैध निर्माण किया जा रहा है, मुस्लिमों पर अवैध रूप से निर्माण करने का आरोप लगा है। हालांकि प्रशासन ने साल 2022 में अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया था। हिंदू संगठनों ने 14 जुलाई को दरगाह कूच की अपील की थी, जिसके बाद 14 जुलाई को दोनों समुदाय के लोगों में झड़प हो गई। तस्वीर इस वक्त जो है वो कोल्हापुर जिले की आपको बता रहे हैं। ये विशालगढ़ की तरफ जाने वाला रास्ता है और ये बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से करीब 20 किलोमीटर पहले ही यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाया गया है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि कल जिस तरीके के हालात बने, उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति है वो बेहद ही तनावपूर्ण हो गया। और उसी से सीख लेते हुए जिला प्रशासन हो या राज्य सरकार हो, उन्होंने यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से बैरिकेटिंग लगाई हुई है। यहाँ पर आने जाने वाले लोगों की लगातार पूछताछ की जा रही है। मुहर्रम के जुलूस के दौरान भड़काऊ नारे का वीडियो उत्तर प्रदेश के अमेठी से आया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन वीडियो में दिख रहे 6 युवकों को हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ चल रही है। थाना मुसाफिर खाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। वीडियो में दिख रहे लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है, साथ ही उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वीडियो की भी जांच कराई जा रही है, जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। इधर बीजेपी का कहना है कि माहौल बिगाड़ने वालों को योगी सरकार किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है। कुछ उपद्रवी लोग नहीं चाहते हैं कि सब शांति से व्यवस्था चले, ऐसे लोगों पर कानून का डंडा चलेगा। योगी जी की सरकार है, यहाँ कानून सर्वोच्च है और कानून के दायरे में जो भी आएगा, जो भी इस तरह के उपद्रव फैलाने का या शांति फैलाने की कोशिश करेगा, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। माहौल बिगाड़ने की खबरें बिहार के नवादा से भी सामने आ रही हैं। मुहर्रम जुलूस के दौरान एक युवक ने फलस्तीन का झंडा लहराया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इधर इस घटना के बाद पुलिस एक्टिव हो गई है, कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी चल रही है। देश में अब एक के बाद एक कई त्योहारों के मौसम आने वाले हैं, ऐसे में समय रहते धार्मिक कार्यक्रमों की आड़ में साजिश करने वालों पर पैनी नजर रखने की जरूरत है, ताकि देश में अमन चैन का सिलसिला बरकरार रह सके। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.